गंगा यमुना का जलस्तर कम होने के बाद संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से लोगों को राहत जरूर मिल गई है, लेकिन प्रयागराज के लोग एक नई बीमारी डेंगू से जूझ रहे हैं। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। जिन जगहों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं उसके 200 मीटर में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि मरीजों की संख्या ना बढ़ सके। प्रयागराज के शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। आज नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने शिवकुटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही सभी घरों को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम चेक कर रही है। कई घरों की छत पर डेंगू के लार्वा मिले हैं, गमलों में पानी भरे हैं जिसे तत्काल दवा डालकर निष्क्रिय किया गया है और लोगों से साफ सफाई की अपील की जा रही है। डेंगू से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग पैम्पलेट भी बांट रही है और सभी घरों को चेक कर रहे हैं। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है, गलियों नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। साफ सफाई का अल्लापुर में खासी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्लापुर में कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रही है। जिस किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार है वो लोग कैंप में जाकर अपना परीक्षण करा सकते हैं। इसके साथ ही रैली में माइक के जरिए डेंगू से बचाव के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। हालांकि डेंगू के प्रचार प्रसार पर स्थानीय लोग नगर निगम की साफ सफाई को दोषी मान रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। लगभग सभी घरों के गमले टायर कूलर में पानी एकत्रित है, जिसमें मलेरिया मच्छर पनप रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जागरूकता रैली के साथ साथ हर घर को चेक कर एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही है और एकत्रित पानी को गिराया जा रहा है। जहाँ पे डेंगू के कुछ केसेस आए हैं उन इलाकों में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स की टीम है, नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी और इंस्पेक्टर्स हैं, और न केवल जागरूकता फैलाई जा रही है बल्कि साथ ही साथ एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है, सफाई के अभियान भी चलाई जा रही है। और सबसे ज़्यादा लोगों में अगर कहीं उनको दवाइयों की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। प्रयास ये है कि लोग जो हैं डेंगू के प्रति जागरूक हों, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर घर में कहीं पे जल जमाव है, छत पे टायर में ट्यूब में कूलर में गमलों में, तो उसको हटाया जाए, ऐसी जागरूकता फैलाई जा रही है।